98% लोग जिंदगी में ये करते हैं इसलिए वो सफल होते नहीं है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में अकेला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक स्कूल में काफी सारे बच्चों को ट्रैकिंग के लिए बुलाया था, पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। संडे का दिन, दिसंबर का महीना, और काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे। तो 10 साल के ऊपर के बच्चे थे और उनको ट्रैकिंग के लिए उनको काफी टीचर्स लोगों ने प्रोत्साहित किया था। उनको पहाड़ के ऊपर काफी ऊंचाई तक जाना था, चढ़ के जाना था, और वो उन्होंने रेस लगाई थी कि जो पहुंचेगा उसको, उसका नंबर आ जाएगा, उसको प्राइज मिल जाएगा। तो पेरेंट्स भी आए थे देखने के लिए, काफी लोग भी थे वो स्पर्धा देखने के लिए, कॉम्पिटिशन थी। हुआ क्या कि बच्चों ने जब चालू किया चढ़ना, तो कुछ पेरेंट्स जो थे, माँ बाप जो अपने बच्चों के बारे में बहुत फिक्र कर रहे थे, उन्होंने चिल्लाना चालू किया, बेटा तू वापस आ जा, तेरे से होगा नहीं, अभी जितना गया उतना अच्छा है, ठीक है, तेरे से इतना हो गया, अभी थक जाएगा, तू वापस आ जा, ऐसा चिल्लाना चालू किया। तो वो 2-4 बच्चे वापस आ गए। थोड़ा ऊपर और कुछ बच्चे जा रहे थे तो बाकी माँ बाप भी चिल्लाना चालू किया, अरे बेटा ऊपर बहुत ठंड है, तू आ जा, तेरे से होगा नहीं, ऐसा चालू किया। तो वो चिल्ला के उनको, बच्चों को नीचे बुला लिया। और थोड़ा ऊपर जाए तो बाकी जो माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, वो चिल्ला रहे थे, बाकी लोग भी चिल्ला रहे थे उनके साथ साथ, तेरे से होगा नहीं, जबेगा नहीं, तू नीचे आ जा। तो वो भी बच्चे नीचे आना चालू किए और वो भी वापस आ गए। एक बच्चा मगर वो किसी की सुन नहीं रहा था, और वो अपना चढ़ते जा रहा, और कुछ समय बाद वो पहाड़ के ऊंचाई पे जाके पहुंच गया और लोगों ने तालियां बजाई उसको, स्पर्धा में मतलब कॉमेडी में उसको बख्शीश मिल गया। तो लोगों ने पूछा, भाई उसको पूछा, तेरे से कैसा हुआ, तू तो सबसे छोटा है, सबसे यंग है, और तू इतना कैसा गया, इतने ऊंचाई पे गया, ठंड में गया, और कैसा क्या हुआ। तो उसको पूछ रहे तो वो जवाब नहीं दे रहा, लोगों को और उत्सुकता हो गई कि जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो बहरा था। आपको कल्पना हो गई कि भाई वो बहरा था करके वहां पहुंच गया। देखिए, बाकी बच्चों ने अपने माँ बाप का या बाकी लोगों का जो चेयरअप करने आए थे एक्चुअली उनका सुना और वापस आ गए, ये जो बहरा था वो ऊपर तक पहुंच गया। लाइफ में क्या होता है, देखो अपने लाइफ में हमको पीछे खींचने वाले हमारे आजू बाजू के लोग ही रहते हैं, जो तुम्हारे से होगा नहीं, तेरे को जमेगा नहीं, तू नहीं कर सकेगा, ये संभव नहीं है, रहन दे बेटा, बहुत कोशिश किया है, अभी तेरे से होगा नहीं, अभी वापस आ जाए, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो इनको असेसमेंट करना, भाई कौन लोग है ये, क्या बोल रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, वो देख के उनके लिए बहरा होना पड़ेगा। और जब बहरा होंगे ना तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे आजू बाजू में होल सेल में लोग निगेटिव घूम रहे हैं, होल सेल में निगेटिव लोग हैं। वो तो होगा नहीं कैसा, वो आपको पटाने में पूरे बिजी है, बताएंगे कि तेरे से कैसा होगा नहीं। तो हमको उनके लिए बहरा होना पड़ेगा, और हम जब बहरा हो जाएंगे मतलब सुनेंगे नहीं, गूंगे हो जाएंगे, मतलब उनके लिए कुछ सुनने का नहीं है, तो आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले नकारात्मक बोलने वाले, नेगेटिव बोलने वाले लोग तो अपने घर के लोग रहते हैं, फिर बाद में रिलेटिव्स रहेंगे, फिर आउटर सर्कल में और दोस्त लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपके खिलाफ है, घर के लोग थोड़ी खिलाफ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरक्की नहीं चाहते हैं, उनको बहुत फिक्र है, उनको बहुत चिंता है, उनको केयर ज़्यादा करते हैं, और वो केयर ज़्यादा करते हैं इसलिए बोलते कि नहीं तू थक जाएगा, तेरे से होगा नहीं, तू इतनी असफलता सहन नहीं कर पाएगा, तेरे दिमाग को चोट बहुत आ जाएंगी, फिर तेरे से सहन नहीं कर सकेगा तू, फिर ये इतना होगा तो हम नहीं देख सकेंगे तेरी असफलता, इसलिए तू मत कर बेटा, मत कर। तो वो करने वाले काफ़ी लोग रहते हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा है कि हमको ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं, मतलब हम बोल के कितना लोगों को निगेटिव कर सकते, तो उसको भी प्रेजेंट होना जरूरी है। हमारे पास में लैंग्वेज है, ह्यूमन बींग के पास में भाषा है, बोली भाषा है। तो यदि हमको किसी को आगे बढ़ाने का है तो अच्छी भाषा करो, अच्छा बोलो, अच्छे शब्दों में उसको एनकरेज करो, मोटिवेट करो, जो भी आप कर सकते वो करो, क्योंकि भाषा से ही उसकी सफलता उसको मिल सकती है, भाषा से उसको हम नीचे खींच सकते हैं। तो हमको एक ह्यूमन बींग को बहुत बड़ा एक ये मिला हुआ है एडवांटेज है बाकी स्पीसीज के ऊपर, वो है भाषा। और भाषा से ही आदमी बनता है या भाषा से ही आदमी बिगड़ता है। तो हम भाषा का इस्तेमाल कैसा करेंगे ताकि लोग आगे उनकी दुनिया में बढ़ेंगे, उनके जीवन में बढ़ते जाएंगे, वो हमको देखना है। और भाषा का इस्तेमाल अच्छा करके लोगों को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, लोगों की तारीफ करो, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करो, भाषा से हो सकता है। भाषा से नीचे खींचे जाता है आदमी, भाषा से ऊपर जा सकता है। तो भाषा का इस्तेमाल अच्छा करना सीखो, और हमको यदि आगे बढ़ना है तो हमको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि नेगेटिव लोग कौन है, और उनके लिए बहरा होना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।